नमस्कार दोस्तों, मैं बाल किशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल। पिछले वीडियो में हमने अनाच्छादन या डेनुडेशन के बारे में बात करी थी, जिसके अंतर्गत हमने अपक्षय की जो प्रक्रिया है, जो कि जिसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें अपने ही स्थान पर विघटित वियोजित होती रहती है, टूटती फूटती रहती है, इसी अनाच्छादन के अंतर्गत अपरदन को भी शामिल किया जाता है। आज हम इस वीडियो में अपरदन या इरोजन के बारे में बात करेंगे। अपरदन जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें चट्टाने, हिमानी, भूमिगत जल, लहरें, वायु, नदी आदि माध्यम के द्वारा घिसती रहती है, कटती रहती है, स्थानांतरित और परिवहित होकर निक्षेपित होती रहती है। तो ये समस्त गतिविधियाँ विभिन्न माध्यमों द्वारा जो की जाती है, उसे ही अपरदन कहते हैं। अपरदन शब्द लेटिन भाषा के इरोडरे शब्द से बना है, और इस शब्द का आशय घिसना या कुतरना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपरदन के अंतर्गत विभिन्न माध्यम, चाहे हिमानी हो, भूमिगत जल हो, लहरें हो, वायु, नदी, ये जो भी माध्यम हैं, ये चट्टानों को घिसते रहते हैं, काटते रहते हैं, और बचे हुए या अवशेषों को परिवहित करके कहीं ले जाकर निक्षेपित कर देते हैं। ये अपरदन कुछ विधियों द्वारा होता है, जिसमें अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलदाप क्रिया, संक्षारण, अपवाहन, गुहिकायन, उत्पाटन, जल गति क्रिया आदि शामिल हैं। पहले बात करते हैं अपघर्षण में। जब अपरदनकारी कारक, जो अभी हमने बात करी, नदी, हिमनद, पवन आदि, अपने साथ चट्टानी मलबे और चूर्ण को बहाकर ले जा रहे होते हैं, तो ये पदार्थ धरातलीय चट्टानों के साथ घर्षण करते हुए जाते हैं। इसे ही घर्षण या अपघर्षण कहते हैं। फिर है सन्निकर्षण। जब पवन, नदी, लहरें आदि अपने साथ जो शेल कणों को प्रवाहित करके ले जा रहे होते हैं, वो शेल कण आपस में रगड़ खाकर टूटते फूटते रहते हैं, इस प्रक्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं। जलदाब क्रिया, नदी जल के भारी दबाव से या जल भंवर के दबाव से चट्टानों के जो अपरदन की प्रक्रिया होती है, उसको जलदाब क्रिया कहते हैं। ये सागरीय तरंगों द्वारा भी होती है। फिर है संक्षारण, जिसे सोल्यूशन या कोरोजन भी कहते हैं। जल की रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों के खनिजों का जल में घुलकर बह जाना संक्षारण कहलाता है, और ये भूमि और भूमिगत और नदी जल के द्वारा होता है। अपवाहन, पवन द्वारा बालू मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाना अपवाहन कहलाता है। गुहिकायन, नदी में उत्पन्न भंवर से उठने वाली तरंगे नदी के तल में अनेक प्रकार के छिद्रों का निर्माण करती है, जिससे जल गर्तिका या नमित कुंड बनते हैं। ये इसी गुहिकायन के ही एग्जाम्पल्स है। उत्पाटन, ये क्रिया हिमानी या हिमनद क्षेत्रों में होती है। जब हिमानी अपने मार्ग में आने वाले शेल खंड उखाड़ कर उनका परिवहन अपने साथ करती है, तो इस क्रिया को उत्पाटन या उत्खनन या प्लकिंग कहते हैं। फिर है जल गति क्रिया। जब जल की तीव्र गति के कारण चट्टान टूट फूट कर अलग हो जाती है, ये जो क्रिया है, ये सागरीय तरंगे और नदी आदि के द्वारा होती है। तो ये कुछ विधियाँ थी या प्रक्रियाएँ थी जिसके द्वारा अपरदन होता है। अब बात करते हैं कि अपरदित पदार्थ जो है, वो तीन रूप में प्रवाहित होता रहता है। घुलकर, यानी जल में जब पदार्थ घुल जाते हैं और उसके साथ प्रवाहित होते हैं। फिर निलंबित अवस्था में या सस्पेंशन अवस्था में अपरदनकारी कारक जल, पवन आदि के साथ तैरते हुए या लटकते हुए प्रभावित होते हैं। फिर है लुढ़क कर,
इसके अंतर्गत चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े घिसटते हुए और लुढ़कते हुए नदी तल पर प्रवाहित होने रहते हैं। इसे कर्षण या घसीटना भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।